गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। कल शाम को हम पहलगाम पहुंचे थे, ज़्यादा दूर सैर करने का मौका नहीं था। आज सुबह पूरी तैयारी से निकले हैं। टुडे वी आर आउट टू एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ पहलगाम। आपका क्या नाम है? शकील अहमद। शकील, ठीक है, आओ वैली चलते हैं पहले। First we are going to Aru Valley with our local driver Shakil Ahmed. As per rule, all tourists have to use local taxis for local trips. Taxis from Srinagar or Jammu not allowed for local trips. Aru Valley 14 km hai na yahan se? Kitna time lagta hai? 20-25 minute lagenge. लकड़ी वाले मकान सब अभी बचे नहीं, सब दूसरे मतलब ईंट वाले हो गए ना। हाँ सर, ईंट वाले लकड़ी थोड़ा महंगी भी आती है सर, बहन भी है। The leader flows by as we move on the Aru Valley road. Many people have pitched their nice tents on the banks of Leader River. ज़्यादातर ये कैंपिंग करने वाले लोग श्रीनगर से आते हैं। आज संडे है इसलिए पैक है। Entering Aru Wildlife Sanctuary. The sanctuary is spread over 511 square kilometers. It was a game reserve in 1945 under the Dogra rule and became sanctuary in 1981. Major animals are leopards, black bear, brown bear, ibex, Kashmiri red deer, musk deer, and a host of birds. यहाँ पर कुछ टेंटेड रिजॉर्ट्स भी है, समर में यहाँ खूब बुकिंग करके लोग आते हैं। नाउ वी आर इन द सेंटर ऑफ Aru Valley, लॉट ऑफ टूरिस्ट इन कश्मीर दिस सीजन। फॉर दैट मैटर बिकॉज ऑफ द हीट people are moving to hills everywhere. Handicrafts, clothes and dry fruits on sale.
साथ फोटो। खरगोश के साथ सेल्फी के लिए भी बंदोबस्त है। दिस इज अ ह्यूज फ्लैट लैंड विद द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म होटल अल्पाइन आरू इन द सेंटर। एट वन टाइम गवर्नमेंट टूरिज्म वर्क्ड हार्ड टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर। A visitor recognizes my Taroba cap and we exchange smiles. This valley is a stunning landscape with the picture postcard hotel. इस होटल का एक टूर करते हैं। कमरे सब बुक है। हमने एक रेसिडेंट से पूछा, कैसा है कमरा? अच्छा है। अच्छा है? ओके। रात को ठंड होता है? ठंड होता है, काफी ठंड। This Leader River originates from Kolahoy Glacier in Sonmarg area, flows through Pahalgam before meeting Jhelum River downstream. The road to Aru Valley is superb. Kashmir is so naturally endowed. रास्ते में मिनी जू के बाद हम गौरी शंकर मंदिर से गुजर रहे हैं। इस मंदिर से पूजा करते हुए अमरनाथ के यात्री आगे बढ़ते हैं। वी आर इन चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से अमरनाथ यात्री या तो पैदल निकलते हैं या घोड़े पर। सोनमार्ग के बालताल से यात्रा रूट शॉर्ट है, लेकिन ये रास्ता ज़्यादा ठीक है, विशेषकर फैमिली वालों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। This is a small glacier, dry. ये रास्ता इधर से निकलेगा? हाँ सर। ये सीढ़ी है?
नहीं सीढ़ी तो नीचे है सर, वो नीचे। अच्छा ये कौन इधर तक बस सीधे जो नीचे तो यहाँ कैंप, यहाँ एग्जिट पॉइंट होता है। एग्जिट पॉइंट एंट्री जो यात्रियों को, वही तो कह रहा हूँ यात्री यहाँ से जाते हैं ना, जाते तो एंट्री पॉइंट तो वो है सर जहाँ, हाँ ये एग्जिट पॉइंट है, वहाँ भी कैलकुलेशन होती है कितने आए फिर यहाँ कैलकुलेशन कितने यहाँ तक पहुँचे। ओके नहीं सीढ़ी तो वो है ऊपर तो रास्ता बन रहा है ना ऊपर, हाँ है ना काम चल रहा है ना उधर ऊपर से इसके बीच में से रास्ता उधर तक गाड़ी जाएगी अब से दो तीन साल लगेगा गाड़ी तो गाड़ी तो रास्ता यही है रास्ता पूरा ऐसा बीच में से पीछे है ना ये पूरी पहुंच जाएगी अमरनाथ तक, वो चार में खत्म हो जाएगा जो स्ट्रगल है और जो वो खत्म हो जाएगा यस जो मेन चीज है वो खत्म हो जाएगी फिर वो यात्रा थोड़ी देगी गाड़ी ऊपर तक चली जाएगी तो फिर उसको यात्रा कैसे कि अगर वहाँ से 50 आए तो यहाँ से 50 गए कि नहीं, नहीं। वही थे। अगर 45 है तो 5 बाकी है, हाँ तो 5 बैठे होंगे बीच में, फिर आगे ऐसे निकल जाते हैं सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट शीशनाथ तक ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर शीशनाथ में कैलकुलेशन होता है कितना दूर है शीशनाथ 12 किलोमीटर जो यहाँ से निकल गए फिर उनको रेस्ट करना है एक टाइम तो होगा छोड़ने का यहाँ से, हाँ है ना कितने यहाँ से बराबर 12 बजे तक छोड़ सकते हैं उसके बाद उसके बाद वो और 12 किलोमीटर कम से कम वो बहुत चढ़ाई भी है 7-8 घंटा लगेगा ज़्यादा लगता है तो शाम को पहुँचते होंगे शाम को पहुँचते हैं शीशनाग वहाँ रेस्ट करते होंगे 7-8 बजे वहाँ रेस्ट खाए पिया सब कुछ खाना शाना रेस्ट रात को फिर सुबह वहाँ से छोड़ते हैं। अच्छा फिर वहाँ से छोड़ने के बाद में वहाँ से कितना दूर है वहाँ से भी अरे 36 किलोमीटर 12-16-17 किलोमीटर फिर पहुँचते हैं पंचतरनी फिर रुकते हैं फिर पंचतरनी जो पैदल जाते हैं वो टाइम लग जाता है तो फिर रुकते हैं पंचतरनी में कुछ फिर सुबह जब रेस्ट करते हैं फिर सुबह जाते हैं एप्पल जूस एप्पल जूस प्योर एप्पल जूस कश्मीरी एप्पल जूस कश्मीरी एप्पल जूस भाई रियल फ्रेश बनाएगा मजा नहीं तो पैसा अब जा रहे हैं बेताब वैली, ये चंदनवाड़ी के रास्ते में ही पड़ता है पर हमें शकील ने सजेस्ट किया कि बेताब वैली लास्ट में जाएंगे। ये है चंदनवाड़ी एंट्री पॉइंट फॉर अमरनाथ यात्री, ये सुबह 11 बजे बंद हो जाता है तो यात्री को उससे पहले इसमें से गुजरना पड़ता है।
बढ़ेगा बराबर मैम 5-6 बजे तक बढ़ेगा ना। हाँ फिर रात को थोड़ा कम हो जाएगा सुबह 11 बजे तक, क्योंकि वो स्नो मेल्ट होता है ना 4-5 बजे से, इससे ज़्यादा बढ़ेगा। The original name of Betab Valley was Hagin Valley, but a blockbuster film Betab, which was shot here in the 1980s, made a profound impact. The name changed to cater to the tourists' interest. ये जगह पहले वादी ए खागेन के नाम से जाना जाता था। 1980 के दशक में यहाँ हिंदी फिल्म बेताब की शूटिंग हुई और बेताब सुपरहिट हो गया। बस फिर धीरे धीरे ये वैली का नाम बदल के बेताब वैली हो गया। Kids are having fun in the shallow waters of Little River. In school, me, you are. नहीं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ओह अच्छा यूनिवर्सिटी मास्टर्स कर रहे हैं। ओके क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताबिश है। ताबिश आपका? शब्द पर आप पहलगाम के ही हो या श्रीनगर से? नहीं हम इस्लामाबाद के हैं, अभी श्रीनगर से आए हम। अच्छा अभी हम श्रीनगर से आए हैं। इस्लामाबाद के? हाँ ये लोग हमारे साथ हैं। नहीं मैं लौट हेलो सब पढ़ते हैं। For kids, there are some swings and a train, a small train. Electrical? Yes. But the train was not running today. So after a good tour of Betab Valley, we are returning. It's 5 p.m. People are still coming in. सबसे पॉपुलर खाना क्या है? बिरयानी तो नहीं है? नहीं यहाँ पे तो हमारा नॉनवेज में वो कश्मीरी वाजवान। कश्मीरी वाजवान में तो बहुत डिश है। हाँ तो बहुत सारे डिश। हाँ रिश्ता हो गया, गुस्ताबा हो गया, रोगन जोश हो गया।
यखनी हो गई, कबाब हो गया, कबाब हो गया। लेकिन वो हाँ वर्षवान में भी सबसे ज़्यादा कौन सा पॉपुलर डिश है बता सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बना मतलब पसंद करते हैं लोग? रोगन जोश। रोगन जोश तबक माज लगभग ऐसे वैसे ना। हाँ ये दो नंबर वन नंबर टू है। बाकी मुझे तो यखनी बहुत पसंद आया, कल हमने खाया था वहाँ मुगल दरबार। हाँ The small streams of Lida River in front of our hotel symbolizes the simple laid-back living of Pahalgam. Good memories of Pahalgam as we move to Gulmarg tomorrow.